जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। ईद उल फितरत में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर के पाठक द्वारा लिए गए फैसले। पाकिस्तान के बुरे हालात और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए शख्स का वीडियो हुआ वायरल। मालदीव के मंत्री ने किया तिरंगे का अपमान, अब मांग रही है माफी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ईद उल फितर में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर के पाठक द्वारा किए गए फैसले। अपने फैसलों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले उपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल ईद उल फितरत में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर के पाठक द्वारा दिए गए फैसले के लिए इमारत शर्किया में मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। दरअसल ईद उल फितरत में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर के पाठक द्वारा दिए गए फैसले के लिए इमारत शर्किया में मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया। इमारत शर्फियों ने महासचिव मोहम्मद शिबली अल कामीन्स ने पत्र लिखकर मांग की है कि 8 अप्रैल से शुरू हो रहे आवासीय परीक्षण की तारीख बदल दी जाए। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि मुसलमानों के सबसे बड़े त्यौहार के मौके पर देश भर में छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन आवासीय परीक्षण की तारीख के चलते मुसलमान टीचर्स इस नहीं मना पाएंगे। बता दें कि 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक शिक्षकों को आवासीय परीक्षण होने वाला है। बता दें कि इससे पहले होली के मौके पर भी शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग रखी गई थी। मीडिया में रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिन की ट्रेनिंग में 19,000 के करीब। हालांकि प्रदेश के सभी 6,00,000 शिक्षकों को ट्रेन करने का टारगेट तय किया गया है, लेकिन ट्रेनिंग के सेंटर की संख्या कम से कम होने के कारण बेचैन के करीब 19,000 करीबों को टारगेट तय किया गया है लेकिन ट्रेनिंग के सेंटर के संख्या कम होने के कारण इस बेंच के में करीब 19,000 शिक्षकों को परीक्षित किया जा रहा है। बता दें कि जब होली के समय ट्रेनिंग रखी गई थी तब भी शिक्षक संगठन और राजनेताओं ने तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन विभाग ने एक की नहीं सुनी। उम्मीदवार है कि 10 या 11 अप्रैल को ईद पड़ सकती है, लेकिन ऐसे में ट्रेनिंग रुकने की कोई भी। शिबली अल कासमी ने पत्र से सरकार को सवाल किया है कि ईद के दिन मुस्लिम शिक्षक कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं, ऐसे में मुस्लिम टीचर परिवार के साथ ईद कैसे मनाएंगे। उन्होंने सरकार से अपील किया है कि आवासीय ट्रेनिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के बुरे हालात और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए शख्स का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए एक शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में शख्स को पाकिस्तान के बुरे हालात और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह शख्स पाकिस्तान का रहने वाला है। आफिस जरफादित उसका नाम है, जहाँ पड़ताल में पाया जाता है कि जांच में पाया गया है कि वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। शख्स का नाम वीरेंद्र राघव है और वह आगरा का रहने वाला है। दरअसल शख्स एक कंटेंट क्रिएटर है और उससे एक हफ्ते पहले और वीडियो बनाने कर इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए थे, जिसे लोग अब गलत दावे दे रहे हैं। फेसबुक यूजर नवीन कुमार ने कैप्शन में अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिमों का और भारतीय मुस्लिमों को मैसेज है। वीडियो पर लिखा हुआ है कि यह पाकिस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी जाफर जरादी है। वायरल वीडियो में सच्चाई बताने के जरिए उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। वीडियो पर लिखा गया है कि यह पाकिस्तान का मुसलमानी पाकिस्तान जाफर जरादी। वायरल दावेदारी की सच्चाई बताते हुए इन्होंने सोशल मीडिया पर यह वीडियो ट्वीट किया है। ऐसे में धीरज राघव 79 नाम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 23 मार्च 2024 को अपलोड हुआ था। प्रोफाइल को खंगालने पर हमने पाया है कि यूजर का नाम धीरज राघव है और यूजर ने प्रोफाइल पर खुद और आर्टिस्ट ऑफ कमेंट क्रिएटर बताया हुआ है। इस अकाउंट पर कई बार स्क्रिप्ट वीडियो भी अपलोड किए गए, जिसमें धीरज ने एक्टिंग की हुई है। पड़ताल के दौरान यूजर्स का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट भी प्राप्त हुआ। यूजर ने प्रोफाइल पर खुद को आगरा का रहने वाला बताया है। अधिक जानकारी के लिए हमने दैनिक जागरण के आगरा के डिजिटल इंचार्ज प्रतियोगी गुप्ता से संपर्क किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मालदीव के मंत्री ने किया तिरंगे का अपमान, अब मांग रही है माफी। नेतृत्व बदलने के बाद भी मालदीव अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। मालदीव के मंत्री कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर असहनीय टिप्पणियां करते हैं तो कभी भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। सोमवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें मालदीव सरकार की पूर्व मंत्री मरियजन श्याउ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिरंगे का अपमान किया। अपमानजनक पोस्ट के हालांकि यूजर्स द्वारा तीखी आलोचना का सामना करने के बावजूद भी इनके दिमाग ठिकाने
पैमाने पर नहीं आए। मिर्जा श्योर ने अपनी पोस्ट में विपक्ष पार्टी एमडीपी के प्रचार कैपन का एक पोस्ट इस्तेमाल किया जिस पर अशोक चक्र की भी अंकित था। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा है कि एमडी एक बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रही है, मालदीव के लोग उनके साथ गिरना और फिसलना नहीं चाहते। हालांकि यूजर्स के तीखी प्रतिक्रिया और आक्रोश के कारण श्याओ ने माफी पोस्ट करने से पहले ही अपनी पोस्ट को हटा दिया। मालदीव की मंत्री मर्जिया श्याओ ने अपनी माफी वाले ट्वीट में कहा है कि मैं अपनी हाल ही में पोस्ट के सामग्री के कारण हुए इस बर्ताव को माफी चाहती हूँ। मुझे पता है कि मालदीव को विपक्ष पार्टी एमडीपी की प्रतिक्रिया में इस्तेमाल किया गया हुई छवि को लोगों तक नहीं जाने देना चाहिए था। अपमानजनक बातें करते हुए मुझे इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी। मरियम श्याओ मालदीव की उन मंत्रियों में से शामिल थी जिन्होंने पीएम मोदी की मालदीव यात्रा पर उपासना उड़ाई थी। भारतीय उच्च द्वारा विशिष्ट जताए जाने के बाद भी उन्होंने अपनी इस बर्ताव को बाज नहीं आया। मालदीव के विपक्ष मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि विदेश नेताओं और उच्च स्तरीय व्यक्तियों के खिलाफ टिप्पणियां मालदीव सरकार के विचार के प्रतिनिधित्व नहीं सहेंगे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।